केतार से इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। केतार थाना क्षेत्र अंतर्गत केतरी में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को विद्यार्थी सहित प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के द्वारा विद्यालय कैंपस में चापाकल न होने के कारण काफी नाराजगी देखने को मिली है। अध्ययनरत विद्यार्थियों का कहना है कि चापाकल न होने के कारण स्कूल में बनने वाले मध्यान्ह भोजन भी नियमित रूप से नहीं बन पाता है, जिसके विभाग के प्रति बच्चों के अभिभावक एवं समिति के अध्यक्ष के बीच में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उक्त अध्यक्ष सुशील कुमार वैद्य ने प्रखंड प्रशासन से मांग किया है कि विद्यालय कैंपस में चापाकल तत्काल लगाई जाए। मौके पर विद्यालय के शिक्षिका सुषमा कुमारी, अभिभावक फुलवंती देवी, लालसा देवी, गीता देवी, सतरूपा देवी, रेखा देवी, रूबी देवी सहित अन्य लोग शामिल थे। हाँ, क्या है विद्यालय में? रसोईया। हाँ, ये विद्यालय में भोजन कैसे बंद हो जाता है? पानी के चलते बंद हो जाता है। अच्छा, कई दिन से बंद था? बंद धूप में था, पहले हो जाता था। अभी फिलहाल पता चला कि दो दिन पहले भी बंद था, गैस के चलते बंद था। कई दिन? दो दिन। अभी चालू है? अभी चालू है। मतलब विद्यालय में पानी का अभाव हो जाता है? हाँ। और गैस का अभाव? पानी है ही नहीं है। पानी बाहर से लाते हैं? हाँ, बाहर से लाते हैं पानी। चलिए ठीक। क्या समस्या है? समस्या है कि मेरे स्कूल में सर चापाकल की व्यवस्था नहीं है, चार दीवारी का भी व्यवस्था पे नहीं है। पुराने बिल्डिंग में मध्यान भोजन बनता है, वहाँ पे भी चापाकल का पानी सूख गया, बोर खत्म हो गया। कितना दूरी पर है पुराने वाला? पुराना 200 कदम पड़ जाएगा, 300 कदम। तो बारिश में कैसे होता है? बारिश में वहाँ पे मध्यान भोजन का भवन बना हुआ है, चापाकल नहीं है। नए पुराने बिल्डिंग पर चापाकल है, नए बिल्डिंग पर चापाकल है। फिर अभी आप लोग कैसे, कहाँ से ला रहे हैं? सर बगल से मांग के पानी लाते हैं, कुछ दिन के बाद वो भी बंद कर देते हैं कि मेरे यहाँ से पानी मत ले जाओ। संजोजिका को कहते हैं, रसोईया को कहते हैं, रसोईया जाती है उसके यहाँ से लाती है। आप पुराना रजिस्टर उलट के देख सकते हैं सर, सब में लिखा हुआ है। मैं अध्यक्ष रहने के नाते बता रहा हूँ कि पुराने अध्यक्ष भी लोग देखे हैं कि पानी के अभाव में मध्यान्ह भोजन बंद कर दिया जाता है। मगर एक कमजोर अध्यक्ष को समाज को सताया जाता है, झूठ की खबर जाता है कि वहाँ पे मध्यान्ह भोजन नहीं है। आज से ही मध्यान्ह भोजन हम बंद करने के ऐलान करते हैं, जितने हैं कि जब से चापाकल स्कूल में नहीं हुआ तब से मध्यान्ह भोजन नहीं बनेगा। फिर आप लोग आगे शिकायत की? आगे शिकायत वीडियो साहब के पास, सचिव से हमारे पूछे, सचिव को साहब को बुलाए, उनके पास भी दरखास्त दिए हैं, अभी तो कोई सुना नहीं। चुना हुआ वीडियो साहब अपने आँख से देख गए हैं, मुखिया जी भी देख गए हैं, मुखिया जी को भोजपुर मुखिया है वो भी देखे हैं, और पुराने मुखिया भी आए थे बीच में, वो भी तो देखे गए होंगे कि यहाँ पे व्यवस्था है कि नहीं चापाकल का। कई में पढ़ते हैं? पाँच में। कई दिन से खाना मिल रहा है? खाना कई दिन से बंद है? खाली दो दिन बंद है। दो दिन बंद था? हाँ। कई दिन पहले? कई दिन पहले, ढेर दिन पहले। अब कल खाना मिला था जी? क्या मिला था खाना में? दाल भात और खिचड़ी। कल दाल भात मिला था? नहीं, खिचड़ी और भुजिया। आज अभी नहीं मिला है? नहीं। परसों का मिला था? परसों दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी, ठीक है। कैम पढ़ते हो? 5 मिनट। अच्छा ठीक। अपने प्रखंड क्षेत्र से रिपोर्टिंग करने के लिए हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8002820182।